हेलो गाइस, व्हाट इज अप डांटे चाचा यार। गेमिंग इंडस्ट्री का वन ऑफ द सबसे बड़ा लीक हुआ है ये अभी रीसेंट टाइम में माइक्रोसॉफ्ट से, जिससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एंड एक्सबॉक्स, जैसे नया कंसोल, नया कंट्रोलर, नई गेम्स एंड और भी बहुत कुछ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जंप राइट इन। तो सबसे पहले तो हमें पता चलता है अबाउट प्रोजेक्ट ब्रुकलिन, जो कि एक्सबॉक्स सीरीज एक्स का एक स्लिमर वर्जन होने वाला है, जिसमें सेम जीपीयू एंड सीपीयू होगा एज अ सीरीज एक्स, बट कुछ छोटी मोटी चीजें नहीं होंगी, जैसे वाईफाई 6E का सपोर्ट, मतलब इवन बेटर वाईफाई स्पीड्स, ब्लूटूथ 5.1 रेडियो, मतलब कंट्रोलर एंड कंसोल के बीच में इवन बेटर कनेक्शन रहेगा, 2 TB ऑफ इंटरनल स्टोरेज होने वाली है, जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इमेजेस में भी देख ही सकते हो कि कंसोल इटसेल्फ को भी एक न्यू राउंड एंड स्लीकर लुक मिला है, कंसीडरिंग कि सीरीज एक्स को लोग लिटरली फ्रिज से कंपेयर करते थे। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। This console is expected to be released in later October 2024 and expected price भी इसका same है $499 as Xbox Series X, तो मतलब ये और महंगा नहीं होगा। Then new console के साथ इन्हीं documents में हमें Xbox की तरफ से एक new controller भी देखने को मिलता है, जिसका secret project name है Project Seabye। कंट्रोलर होगा ऐसे 2-tone ब्लैक एंड व्हाइट डिजाइन में, एंड ऑन द फर्स्ट लुक ये ऑलमोस्ट पुराने एक्सबॉक्स कंट्रोलर की तरह ही है देखने में, बट सारे चेंजेस तो कंट्रोलर के अंदर हैं, क्योंकि प्लेस्टेशन के डुअल सेंस कंट्रोलर को देखते हुए फाइनली अब एक्सबॉक्स ने भी कुछ सिमिलर करने का डिसाइड किया है। एज न्यू एक्सबॉक्स कंट्रोलर में भी VCA हैप्टिक्स एंड अडैप्टिव ट्रिगर्स होने वाले हैं, जस्ट लाइक प्लेस्टेशन कंट्रोलर्स, जो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। फाइनली हेलो खेलते हुए नीडलर के एक एक नीडल शूट करते हुए प्लेयर्स फील करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस कंट्रोलर में कुछ छोटे चेंजेस हैं, जैसे ब्लूटूथ 5.0 एंड डायरेक्ट टू क्लाउड फंक्शनलिटी करके कोई चीज है, जिससे प्लेयर्स का इनपुट लैग कम होगा एंड ट्रांसफर स्पीड इंक्रीज होगी। सीमलेस पेयर एंड स्विच, जिससे बेसिकली कंट्रोलर एंड कंसोल के बीच का पेयरिंग प्रोसेस और इजी हो जाएगा। लिफ्ट टू वेक फंक्शनलिटी, मतलब कंट्रोलर को सिर्फ उठाने से ही कंट्रोलर एंड एक्सबॉक्स ऑन हो जाएगा। एंड फाइनली रिचार्जेबल एंड स्वैपेबल बैटरी, क्योंकि एक्सबॉक्स कंट्रोलर में अभी भी हमें एवरेडी की बैटरीज डाल कर खेलना होता है। फिर आते हैं प्रोजेक्ट कीस्टोन, वेल क्लाउड गेमिंग। अब आई नो क्लाउड गेमिंग तो हम 2016 से सुन रहे हैं एंड नोबडी केयर्स फॉर इट, तो मैं ब्रीफ में बस इतना बता देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट अभी भी क्लाउड गेमिंग में इन्वेस्ट कर रही है एंड दे आर वर्किंग ऑन सम क्लाउड गेमिंग डिवाइस ऑल्सो, एंड नो आइडिया कि ये कंसोल क्या है या कब तक आने वाला है, बट यस, क्लाउड गेमिंग पे एक्सबॉक्स 2030 तक इन्वेस्ट करना चाहती है। अब बात करते हैं एक्सबॉक्स के नेक्स्ट जेन कंसोल्स की प्लान की। आई नो ऐसा लग रहा है कि लास्ट जेन कंसोल अभी तो रिलीज हुए थे यार, एंड बहुत लोग तो बेचारे अभी भी PS4 पे ही खेल रहे हैं, बट माइक्रोसॉफ्ट तो नेक्स्ट जेन कंसोल की तैयारी में अभी से ही लगा हुआ है। इन डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली स्टेटेड है कि 2028 में एक्सबॉक्स अपना नेक्स्ट जेन कंसोल लॉन्च करने की सोच रहा है, जो ट्रेडिशनल कंसोल नहीं होगा बट रादर एक ट्रेडिशनल एंड क्लाउड गेमिंग कंसोल का मिक्स होगा। ये नेक्स्ट जेन हाइब्रिड कंसोल क्या होने वाला है, कैसा दिखने वाला है, अभी इसका हमें कोई आइडिया नहीं है, बट लेट्स जस्ट होप कि ये प्लेस्टेशन पोर्टल की तरह कुछ ना हो तो बेटर ही हो। एंड लीक डॉक्यूमेंट्स में हमें पता चला है बेथेस्डा के अपकमिंग गेम्स के बारे में एंड उनके रिलीज शेड्यूल के बारे में, जिसमें से यस कुछ गेम्स तो बहुत बड़ी टाइटल्स हैं, जैसे एल्डर स्क्रोल ऑब्लिवियन का एक रीमास्टर वर्क्स में है, जो ओरिजिनली 2022 में रिलीज होना था बट वी ऑल नो वो हुआ नहीं। डूम की एक न्यू गेम जिसका नाम होने वाला है डूम ईयर जीरो, अलोंगसाइड इट्स DLC जो रिलीज होगी 2023 के एंड में, एंड सेम गेम का एक DLC रिलीज होगा 2024 में। फॉलआउट 3 का रीमास्टर जिसका रिलीज प्लान्ड है 2024 के लिए, जो कि बहुत ही बहुत नीडेड था इस गेम के लिए। फॉलआउट 3 एक बहुत अमेजिंग गेम है एंड उसका रीमास्टर बिल्कुल होना चाहिए। गोस्टवायर टोक्यो का एक सीक्वल रिलीज होना है 2024 में, एंड फाइनली डिसऑनर्ड सीरीज का नेक्स्ट पार्ट यानी डिसऑनर्ड 3 इज प्लान टू बी रिलीज इन 2024। ऑल्सो टू नोट कि कुछ और भी गेम्स हैं जिनका नेम और रिलीज डेट हमें नहीं पता है, जैसे इंडियाना जोन्स की गेम रिलीज होने वाली थी 2022 में, जो ऑब्वियसली नहीं रिलीज हुई। प्रोजेक्ट कीस्टल नाम की कोई एक गेम होने वाली है 2023 में रिलीज एंड उसका एक्सपेंशन 2024 में। फिर एक गेम है प्रोजेक्ट प्लैटिनम के नाम से, जिसका हमें कोई आइडिया नहीं है, एंड एक और अनलाइसेंस्ड IP गेम जो कुछ भी हो सकता है, हु नोज। फाइनली इन लीड डॉक्यूमेंट से हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट इज इन्वेस्टिंग हेविली इन मशीन लर्निंग फॉर फ्रेम इंटरपोलेशन, अपस्केलिंग एंड डायलॉग जनरेशन वगैरह के लिए। एल्डर स्क्रोल 6 बेथेस्डा का अनदर सुपर एंटीसिपेटेड गेम PS5 पे बिल्कुल नहीं आएगा। एंड फाइनली नंबर 3, माइक्रोसॉफ्ट इज प्रोजेक्टिंग $30 billion का रेवेन्यू बाय द एंड ऑफ 2030। $30 billion, कहां जाओगे भाई इतना पैसा लेकर? प्लीज IGMA को स्पॉन्सर कर दो एक्सबॉक्स प्लीज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, क्या थॉट्स हैं आपके इन लीक्स को सुनकर? प्लीज लेट अस नो डाउन इन द कमेंट्स। मेरे को तो पर्सनली एक्सबॉक्स का न्यू कंट्रोलर देखना है एंड न्यू डूम की गेम के लिए मेरे को बहुत एक्साइटमेंट है। एंड फॉर मोर सच गेमिंग न्यूज, प्लीज सब्सक्राइब टू इंडियन गेमिंग मैगजीन। तब तक के लिए नमस्ते।